सो हे गाइस, कैसे हैं आप लोग। तो एक और नए डिमन स्लेयर मांगा एक्सप्लेनेशन में आप सबका स्वागत है। तो पिछले एपिसोड में आपने देखा कि इनोसुके कानाओ को दोमा को हराने में ज्वाइन करता है एंड दोमा इनोसुके को उसके बैक स्टोरी सुनाता है, जिसे इनोसुके एकदम हिल गया। अब इनोसुके क्या डिसीजन लेगा एंड फाइट में आगे क्या होगा, जानने के लिए देखते रहिए। दोमा कहने लगता है कि एक बोर्ड के पाले बच्चे होने के नाते इनोसुके ने बहुत अच्छा बोला, बट दोमा ये भी कहता है कि इनोसुके ने एक मिस्टेक किया है, जो कि हेवन या हेल नाम की कोई चीज़ ही नहीं होती है। ये सब जस्ट इंसानी समझ है जो बनाए गए हैं, क्योंकि सच्चाई ये है कि जो लोग सीधे और अच्छे जीवन जीते हैं उन्हें दुर्भाग्य मिलता है, जबकि दुष्ट वाले अपने इच्छा अनुसार काम करते हैं, वे खुद एंजॉय करते हैं एंड लाइफ को फुल्ली जीते हैं। भक्ति वगैरह या हेल और हेवन सिर्फ जोक्स है जो सिर्फ इंसानी सोचते हैं, वो ह्यूमंस को पैथेटिक कहता है। गुस्से से इनोसुके कहता है कि अगर हेल नहीं है तो वो खुद दोमा के लिए हेल बना देगा। वो दोमा को अपने माँ को अनहैप्पी कहने के लिए मना करता है और टेन फैंग से अटैक करता है। दोमा अपने फ्रीजिंग क्लाउड्स को फैलाता है, जिसे इनोसुके के चेस्ट में स्लैशेस बन गए। दोमा को बहुत मजे आ रहे थे, तभी कानाओ उसके पीछे से अटैक करने आती है, बट दोमा अपने फैन से कानाओ को दूर पानी में गिरा देता है। इनोसुके दोमा को लड़ने को कंटिन्यू करने कहता है, बट दोमा कहता है कि सिंस अब आकाजा भी मर चुका है और उनके पास ज़्यादा वक्त भी नहीं है, वो अपने एक बर्फ के छोटे पुतले को लड़ने भेजता है। वो पुतला ब्लड डेमन से वहाँ धुंध स्प्रेड करता है। दोमा वहाँ से जाने को निकलते ही इनोसुके उसे रोकने जाता है, बट दोमा का पुतला ठंडी अटैक्स करता ही जाता है। दोमा सोचने लगता है कि इनोसुके दोमा के ब्लड डेमन हार्ट को क्यों इनहेल नहीं करता है। फिर वो रियलाइज़ करता है कि इनोसुके का स्किन बहुत सेंसिटिव है, सो वो तुरंत हवा को सेंस कर लेता है। वो सोचता है कि इनोसुके सच में एक अच्छा स्वॉर्ड्समैन है। वो इनोसुके के हर टेक्निक्स को देख के हराने को सोचता है। दोमा का पुतला फाइन स्प्रेड करके काना और इनोसुके को दोमा से दूर कर रहा था। दोमा और नए 5 पुतलों को स्पॉन करता है ताकि कैसल में हर डेमन स्लेयर हार सके। इनोसुके दोमा तक पहुंचने को बहुत मेहनत करता है एंड काना उसे शांत रहने कहती है। जब दोमा जाते वक्त दरवाजे को खोलता है, तभी उसके साथ कुछ अजीब सा होने लगता है। उसका आईबॉल निकल आता है और उसके स्किन्स वगैरह गलने लग रहे थे। अगर आपको याद हो तो हाशिया ट्रेनिंग आर्क के चैप्टर 131 में शिनोबु कानाओ को दोमा को मारने की तरीका बताती है, बट हमें ये नहीं पता था कि तरीका क्या था। सो शिनोबु ने कही थी कि अगर उन्हें दोमा को हरानी हो, इसके लिए दोमा को शिनोबु को खाना होगा। शिनोबु कहती है कि जनरली कोई अपर मून 3 हाशिराज के समान होता है, बट दोमा ने सिर्फ लड़कियों को खा खा कर एक एबनॉर्मल ऑब्सेशन को डेवलप कर लिया। शिनोबु कहती है कि फिलहाल उसके शरीर में ढेर सारी विस्टेरिया फ्लावर पॉइजन भरे हैं। शिनोबु ने यह पहली बार किया है, सो उसे नहीं पता कि इसके साइड इफ़ेक्ट्स क्या है, और उसे ये भी नहीं मालूम कि ये कपड़ मून में या फिर मुजान में काम करेगा भी या नहीं। शिनोबु अपनी स्वॉर्ड के एक ब्लो से 50 ml पॉइजन डिलीवर कर सकती है, बट अगर डीमन उसे खा ले तो ये 70% ज़्यादा काम देगा। एंड यही केस दोमा के साथ हो रहा है। उसके हड्डियाँ भी गल रहे थे एंड वो रिजनरेट भी नहीं कर पा रहा था। वो रियलाइज़ करता है कि ये शिनोबु की ही पॉइजन होगी। दोमा के पुतले भी टूट रहे थे। इनोसुके ये सब देख के चौंक जाता है, बट कानाओ कहती है कि ये शिनोबु की पॉइजन है। कानाओ इनोसुके को दोमा के हेड को एम करने कहती है। शिनोबु ने ये भी कही थी कि इसकी कोई गारंटी नहीं कि सिर्फ पॉइजन ही डीमन को मार देगा, सो बिहेड करने का ऑप्शन भी ज़्यादा प्रेफरेबल है। कानाओ शिनोबु के सेक्रीफाइस को बेकार ना जाने देने को ठान लेती है एंड दोमा के हेड तक दौड़ती है। जब वो दोनों दोमा के पास पहुँचते हैं, दोमा एक ब्लड डेमन से एक बड़ा स्टैचू स्पॉन करता है, जिसे बर्फीली तबाही मचती है। कानाओ सोचती है कि ऐसे कंडीशन में दोमा के इतने मैसिव अटैक कर पाना छोटी बात नहीं है। कानाओ इससे बचने के लिए एक टेक्निक को यूज़ करने के बारे में सोचती है, पर शिनोबु ने उसे वार्न की थी कि इसे यूज़ करने से कानाओ अंधी भी हो सकती है। कानाओ दुखी थी क्योंकि शिनोबु अपने को सेक्रीफाइस करने को रेडी थी, देन कानाओ की आंखों के लिए चिंतित क्यों थी। शिनोबु बहुत काइंड थी, सो कानाओ उसको अपनी जान दे के भी बचाना चाहती थी और एक साथ घर जाना चाहती थी। फिर वो फ्लावर ब्रीथिंग फाइनल फॉर्म को यूज़ करती है एंड वो स्टैचू के ऊपर दोमा तक पहुंचती है, पर स्टैचू अपने मुंह से ठंडी हवाएं फैलाता है। इससे कानाओ दोमा को स्वॉर्ड गले पे रखकर भी बिहेव नहीं कर पा रही थी।
इनोसुके अपने स्वॉर्ड से कानाओ के स्वॉर्ड को डोमा के गले में पुश कर रहा था एंड फाइनली वो दोनों डोमा को बेहद कर ही डालते हैं। डोमा अपने कटे सर के साथ रियलाइज करता है कि कानाओ ने उसे हरा दी। वो शिनोबु के बारे में सोचता है कि एक पॉइजनर जो एक स्वॉर्ड्समैन भी नहीं है, जो ऐसे दिखती भी नहीं कि वो किसी को बेहद कर सके। ऐसा लगता है कि उसे स्वॉर्ड्समैनशिप के बेसिक्स भी ढंग से नहीं आती। अगर ऐसे किसी ने उसे हरा दिया तो वो यानी डोमा रियली पैथेटिक ही था। डोमा स्टिल हार नहीं मानता है और बचने के लिए कुछ रास्ते ढूंढता है। डोमा का सर जलकर ख़त्म हो रहा था। वो याद करता है कि उसके फादर एक लेचर थे जो एक के बाद एक फीमेल कल्ट फॉलोअर्स के साथ खुल मिल गए थे और उसकी माँ ने उसके पिता को चाकू मारकर मार डाली। उन्होंने खुद को भी पॉइजन से मार दी। डोमा सिर्फ यही चाहता था कि वो लोग रूम को खून से गंदा ना करें। उसका मन ऐसा ही था। उसने ना कि दुख या अकेलापन को कभी महसूस किया। 20 साल की उम्र में वो एक डीमन बना और 100 सालों बाद ह्यूमन इमोशंस उसके लिए कुछ नहीं थे। तभी डोमा एक इमेजिनेशन में देखता है कि शिनोबु उसके सर को उठाकर कहती है कि फाइनली वो मर ही गया एंड अब उसकी आत्मा यानी शिनोबु की आत्मा भी शांति पा सकती है। डोमा पूछता है कि वो शिनोबु है या कानाए है। शिनोबु हंसते हुए कहती है कि डोमा को उसकी और उसकी बड़ी बहन की नाम याद रखने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि इसे सिक फील होती है। डोमा शिनोबु के पॉइजन की तारीफ करता है। शिनोबु कहती है कि तामाय नाम की एक डीमन ने इसे बनाने में उसकी मदद की। शिनोबु मुस्कुराते हुए कहती है कि अगर वो डोमा को खुद बनाए पॉइजन से मार पाती तो वो और खुश हो पाती। स्टिल वो खुश है। शिनोबु कहती है कि इसकी कोई कॉमरेड मुजान को भी ज़रूर हरा देगा। शिनोबु की मुस्कान को देख डोमा पागल की तरह कहता है कि भले ही अब उसका दिल नहीं है, वो इसे स्टिल बीट करते फील कर रहा है और शिनोबु को क्यूट कहता है। वो कहता है कि अगर उसके फीलिंग्स एग्जिस्ट कर रहे हैं देन शायद हेवन और हेल भी एग्जिस्ट करते होंगे। वो शिनोबु को उसके साथ एक साथ हेल जाने को पूछता है। शिनोबु स्माइल के साथ उसे गाली देके कहती है कि वो उसके बाद जाएगी। इनोसुके अपने जीत का खुशी मनाता है। उसे फिर दुख होता है कि सभी के पास मदर है पर उसके पास नहीं है। उसे तांजिरो की बात याद आता है कि उसके मदर भी उसे बहुत प्यार करती थी। इससे उसके आंखों से आंसू आते हैं। कानाओ को डोमा के खाए हुए शिनोबु की हेयर क्लिप मिलती है जिससे वो दुखी होती है। अब कानाओ अपने राइट आई से ज़्यादा ठीक से नहीं देख पा रही है। कानाए की हेयर पिन भी टूट गई है जो अब कानाओ पहना करती थी। कानाओ नारो पाने के लिए कानाए से माफ़ी मांगती है। जब कानाए मरी थी उस वक्त भी कानाओ ने ही रोही थी बट वो बहुत दुखी थी। स्टिल किसी ने उसे क्रिटिसाइज नहीं किया और सब काइंड थे। कानाओ मानती है कि रोने से उन्हें लोग किक करते हैं और डुबोने को कोशिश करते हैं। कानाओ के सभी भाई ऐसे मारे गए सो कानाओ ने कभी नहीं रोई। वो कानाए को सॉरी कहती है एंड कहती है कि जैसा कि कानाए ने कही, कानाओ ने अपने कॉमरेड्स को वैल्यू दी और एक कॉमरेड ने उसकी मदद भी किया। अकेले ही कर पाना मुश्किल होती। तभी कानाए और शिनोबु की आत्माएँ कानाओ को सर पर हाथ रखकर उसे वेल्डन कहते हैं। एंड सीरियसली ये सीन मुझे पूरे सीरीज में वन ऑफ द सैडेस्ट सीन्स लगी। हेवन में कानाए और शिनोबु अपने माँ बाप से मिलते हैं एंड खुश होते हैं वाइल कानाओ उनके यादों को लेकर रोने लगती है। सो गाइस आई होप मेरा एक्सप्लेनेशन अच्छा था एंड क्लियर था। होप यू गाइस हैव एंजॉयड माई वीडियो। अगर अच्छी लगे देन लीव अ लाइक एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल क्योंकि मैं ऐसे ही एक्सप्लेनेशन वीडियोज लाता रहता हूँ। Next episode is coming soon, so till then, bye bye.